भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि जोशीमठ के प्रभावितों का जल्द पुनर्वास होगा। सरकार ने इसके लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पुनर्वास की व्यवस्था का विषय है, उसके लिए सरकार जो है कि प्लान तैयार कर रही है और बहुत जल्दी हम लोग जो है कि कैसे पुनर्वास होना है, कितने लोगों का पुनर्वास होना है, इस पर भी सरकार काम कर रही है। अभी अभी सरकार ने वहां पर 1.5 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है और आगे भी हमने कहा है कि भाई हम इस आपदा की घड़ी में जोशीमठ की माता बहन बुजुर्ग और एक एक युवा के साथ हैं। इस समय हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम जोशीमठ संकट से कैसे बाहर निकलें। इसमें केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं और बार बार इसका जायजा भी ले रहे हैं और इस समस्या को निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रभावितों को तत्कालिक जरूरत के साथ खाद्यान्न, दवा आदि के साथ 1.5 लाख की प्रारंभिक धनराशि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र से भूवैज्ञानिक, वन विभाग आदि की टीमें क्षेत्र में भूधसाव के कारणों का पता लगा रही है, जल्दी कारण सामने आ जाएगा, सभी प्रभावितों का बेहतर पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर भी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, वरिष्ठ महिला नेत्री मीनू बिष्ट, जिला प्रवक्ता रघुवीर सिंह, गैराज पांडे आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ चांदीवली मोटर मार्ग सुधारीकरण की मांग को लेकर चक्का जाम करने वाले चंचल सिंह चौहान और हिमांशु चुफाल को पुलिस ने हिरासत में लेकर 41 CRPC का नोटिस दिया है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत ने बताया कि इस मामले में 10 से 15 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 3 लोगों को पूर्व में ही हिरासत में लेकर नोटिस दे दिया गया था। अन्य लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट तहसील के रावल गांव निवासी सत्येंद्र प्रसाद को नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी से मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गोविंद शुक्ला को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से दबोच लिया है। सत्येंद्र प्रसाद ने मुनाफे के लालच में 3 लाख रुपए की धनराशि गोविंद शुक्ला और मंजू तिवारी के खाते में डाल दी थी। धनराशि खाते में आने के बाद गोविंद शुक्ला ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। उप निरीक्षक हरी सिंह ने साइबर सेल की मदद से अभियुक्त गोविंद शुक्ला का पता लगा लिया और गोंडा पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। 57 वर्ष बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नमजिला को आखिरकार रंग रोगन के लिए 7.30 लाख की धनराशि मिल गई है। रंग रोगन के अभाव में विद्यालय भवन खंडरहाल हो गया था। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने इसके लिए पहल की। उनकी पहल के बाद शिक्षा निदेशक ने 7.30 लाख की धनराशि ग्रामीण निर्माण विभाग को जारी कर दी है। धनराशि मिलने से विद्यालय की छात्राओं और स्टाफ में खुशी की लहर है। नेपाल के बैतडी जिले में पहली नेपाल इंडो T20 क्रिकेट प्रतियोगिता बुधवार को शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि DSP प्रेम बहादुर शाही ने किया। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला पंचकोटी ए और राटामाटा की टीमों के बीच खेला गया। पंचकोटी की टीम ने पहले खेलते हुए 15 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में राटामाटा की टीम 73 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे मुकाबले में बैतड़ी ए और वाई की टीम ने राणा रैनी त्रिपुरा की टीम को पराजित किया। बैतड़ी क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष उत्तम चंद ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत की 5 टीमें भाग ले रही हैं। नेपाल की कई टीमों में भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं। यह प्रतियोगिता दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने में मददगार होगी। मूनाकोट विकास खंड के अंतर्गत आने वाले मनकोट क्षेत्र की डोला खोली टूटी गैर सड़क को विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बुधवार को अपने संसाधनों से ठीक कराया। सड़क मानसून काल में जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के साथ ही मलवा आने से बंद थी। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल चंद, किशोर चंद सहित तमाम लोगों ने बुधवार को मुख्यालय पहुंचकर विधायक चुफाल को परेशानी बताई। विधायक चुफाल ने तत्काल अपने निजी संसाधनों से JCB मशीन भेजकर सड़क को ठीक करवाया। क्षेत्र के लोगों ने विधायक का आभार जताया है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बुधवार को मौसम ने रंग बदल लिया। जिला मुख्यालय में सुबह से ही धूप छाव का खेल चलता रहा। दोपहर बाद आसमान बादलों से ढक गया, जिससे ठंड में इजाफा हुआ।
ठंड के चलते आज बाजारों में रौनक कम रही। मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत ऊंची चोटियों में आज हिमपात हुआ। निचले इलाकों में बादल छाए रहे। गुरुवार को भी जिले में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की वर्षा, ऊंची चोटियों में हिमपात की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित मेहरा मार्केट में मिल रही हैं सूरत की कीमतों में साड़ियां व ऑनलाइन से भी सस्ता कपड़ा। एमएस साड़ीज लेकर आया है सूटिंग शर्टिंग, फैंसी लेडीज सूट, वैवाहिक साड़ियां, लहंगा, पिछौड़ा, ड्रेस मटेरियल, कंबल, चादर, तकिया, होम के गद्दे, तिरपाल, लेडीज स्वेटर, लेडीज कुर्तियां। एक बार जरूर पधारें, रिश्तेदार और मित्रों को भी बताएं। मोबाइल नंबर 9412908643। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।